दोस्तों, एक चिड़िया थी जिसका नाम लाडो था। वो अपने पति लाडो चिड़ा के साथ रहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया के सपने में परी आई। परी ने लाडो चिड़िया को बताया कि जंगल के टी पर एक अनजान पक्षी का अंडा रखा है जिसकी देखभाल कोई करने वाला नहीं है। लाडो चिड़िया ने सुबह सुबह ही जंगल के टीले पर जाकर उस अंडे को अपने घर पर लाती है और लाडो ने उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कुछ ही दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए आस पड़ोस से बहुत सारे पशु पक्षी आए थे। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आ गया, लाडो तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन आस पड़ोस के पशु पक्षी बच्चे को देखते ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पंछी का बच्चा नहीं था, वो एक चील का बच्चा था। अब तो लाडो चिड़िया और चिड़ा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए। लेकिन लाडो को ये बात नहीं पता थी कि आगे चलकर यही चील का बच्चा सिर्फ लाडो की ही नहीं पूरे बस्ती के पशु पक्षियों का रखवाला बनने वाला है। अन्य पशु पंछिया, अरे लाडो, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है, आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से अंडा उठाकर लेके आई थी वहाँ पर उसे छोड़ दो। नहीं नहीं ये तो अंडा मुझे परी ने दिया है, मैं इसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। लाडो के जिद के आगे चिड़ा की एक न चली। लाडो ने अपने बच्चे का नाम चीनू रख दिया। दूसरे ही दिन से सारे पशु पक्षी लाडो चिड़िया को भला बुरा कहने लगे। अरे ये लाडो चिड़िया हमारी मौत को अपने घर में लेकर आई है, तुम देखना, आगे चलकर जब ये बच्चा बड़ा होगा ये सबसे पहले हमें खा जाएगा। ये बात पूरे बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात तोता राजा के कानों तक भी पहुँच गयी। राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई और उसमें लाडो और चिड़ा दोनों को आने का संदेश सिपाही पक्षियों के द्वारा भेज दिया। शाम हो गई, सारे पशु पक्षी मीटिंग में शामिल हो गए। लाडो और चिड़ा भी वहाँ पर आ गए। लाडो ये सब क्या है, तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती के बाकी के पशु पक्षियों की कोई चिंता नहीं है? नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे सपने में परी आई थी, उसी ने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। ये सब बकवास है राजा जी, मैं तो कहता हूँ लाडो और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। भूरे कौवे की बात सुनकर बाकी के पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे, हाँ लाडो को बस्ती से बाहर निकालो। राजा जी ने सबको शांत किया और लाडो से कहा, लाडो अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस बस्ती को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। ठीक है, आप सब यही चाहते हो तो मैं ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। लाडो जंगल छोड़कर पास वाली जंगल में अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और लाडो पेट से रह जाती है। बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ, आप जल्द जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और हमें हमारा घोंसला भी पक्का करना पड़ेगा। हाँ मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। इधर चिड़ा बारिश का मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगा और इधर लाडो आने वाले बच्चों का इंतजार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद चिड़ा और लाडो ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लिया। चीनू ने भी लाडो और छिद्दा को घर पक्का करने में बहुत मदद की। बारिश का मौसम आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊपर वाले ने लाडो की माँ बनने के सपने को पूरा कर दिया और लाडो ने दो प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। चीनू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई चीनू से नफरत करते थे। चीनू और दोनों भाइयों में बहुत झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी चीनू वहाँ पर आ जाता है। मुझे भी खेलना है आपके साथ, क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? लाडो के दोनों बच्चे, नहीं नहीं तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। ऐसा किसने कहा, मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ, मुझे भी खेलने दो ना। लाडो के दोनों बच्चे, नहीं माँ ने तुझे जंगल के टीले से उठाया था,
अगर तुझे ये बात झूठ लगती है तो जाके माँ से पूछ, हमने खुद हमारे कानों से सुना है। एक दिन माँ और पिताजी ये बात कह रहे थे। जैसे ही चीनू को यह बात पता चली वो एकदम से टूट जाता है और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। क्या हुआ चीनू, तुम रो क्यों रहे हो? देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे और वो कह रहे थे कि वे उनका सगा भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल के टीले से उठाया है माँ, क्या ये बात सच है? बोलो माँ, क्या ये बात सच है? मुझे माफ करना मेरे बच्चे, पता नहीं तेरे भाइयों को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। लाड़ो और चीनू बाहर आकर देखते हैं कि एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ी होती है। वो उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी। तभी चीनू उस बड़ी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहाँ से खदेड़ देता है। दोनों भाइयों की जान बच जाती है। लाड़ो भी वहाँ पर आ जाती है। लाड़ो के दोनों बच्चे, भैया हमें माफ कर दो, अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों चीनू के गले लग जाते हैं। लाडो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। राजा जी, हमने लाडो को बस्ती से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं लाडो के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे, तभी वहाँ पर एक बड़ी सी चील आ गई और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी लाडो के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आ गया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया और उस बड़ी सी चील को खदेड़ दिया। मुझे लगता है कि लाडो ने जिस चील के बच्चे को पाला था ये वही बच्चा है। हमें लाडो को वापस बुला लेना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी, क्योंकि आए दिन नागराज और बाकी के बुरे पंछी हमारी बस्ती पर हमला कर रहे हैं। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो ये हमारा रखवाला बन सकता है। राजा जी, तुम सही कहते हो भूरे, हमें लाडो और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा सिपाही पक्षियों द्वारा लाडो को वापस बुलाने के लिए संदेशा भेज देता है और लाडो भी पिछली सारी बातों को भुलाकर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। जब भी बस्ती पर कोई संकट आ जाता, चीनू उस संकट का सामना करता था। ऐसे ही आगे चलकर पूरे बस्ती का रखवाला बन गया।